वेलकम टू माई चैनल, आई एम काजल बोरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और चैलेंज जिसका नाम है ईटिंग चाइनीज फूड फॉर 24 आवर्स। हम दिन भर सिर्फ चाइनीज फूड खाएंगे, लाइक मतलब ना जो पूरा चाइनीज खाना होता है वो तो यहाँ नहीं मिल सकता, बट इंडो चाइनीज कह सकते हैं हम उसे। आज हम वो खाना खाएंगे दिन भर। सो अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम और अभी बज रहे हैं 8:44। तो अभी तो मैं सुबह घर पे ही बनाने वाली हूँ क्योंकि इतने सुबह कोई डिलीवरी तो करेगा नहीं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चिली पटैटो, सिर्फ चिली पटैटो, हाँ हनी नहीं, ओनली चिली पटैटो। और अभी तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बट अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना। तो मैं एक बार ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और अगर आप लोग चाइनीज़ लवर हो तो आपको कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट क्या है चाइनीज़ में। सो बन गया है हमारा चिली पटैटो, जो लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा यम लिख रहे हैं और सी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट सी बहुत यमी दिख रहे हैं। तो चलो टेस्ट करते हैं। ओके, सो हेयर इज अ चिली पटैटो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। ओके, फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, सेकंड बाइट मेरी। इट्स सो गुड, बहुत टेस्टी बना है, जेन्युइनली बहुत ज्यादा टेस्टी। मेरे दिमाग में ना चिली पटेटो का एक बहुत ज्यादा गंदा सा माइंडसेट हो गया था क्योंकि मैंने हनी चिली पटेटो ट्राई किया था और ये नॉर्मल चिली पटेटो है, बहुत ज्यादा यम है। लाइक क्रिस्प भी है इसमें, क्रंच आलू का। इट्स अ मस्ट ट्राई। अगर आप लोग रेसिपी के लिए बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी ना एक शॉर्ट्स में पक्का शेयर करूंगी। ओके, तो मेरा ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छे से सॉर्ट हो चुका है, काफ़ी टेस्टी बना। और अब मैं आप लोगों से लंच में मिलती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लंच में हम कुछ चाइनीज प्लेटर करें। यहाँ पूरा प्लेटर तो नहीं मिलता, बट मैं कुछ कुछ आइटम ऑर्डर करूँगी और मैं एक दो घर में बनाऊँगी और उससे हमारा एक पूरा प्लेटर बन जाएगा। तो अभी तो मैं यही सोच रही हूँ। सो गुड, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, थोड़ा घर वालों के साथ बैठती हूँ और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ लंच टाइम में। तब तक के लिए बाय। और बहुत टेस्टी था। ओहे एवरीवन, नाउ आई एम बैक। और अभी हमारा लंच का टाइम 2 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी और मैं फ्रेश वगैरह हो गई, नहा लिया और नेल वगैरह कट वट करके सब कुछ, और मैं अभी टी शर्ट में आ चुकी हूँ क्योंकि आप लोग कुछ मिसलीड मत हो जाना, बट यहाँ पे सुबह पिथौरागढ़ में ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है सुबह। लाइक ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट कर दी क्योंकि मैं डालूंगी बाद में, मेरा ऐसा ही रहता है। तो अभी तो ठंडा सुबह बहुत हो रहा है, बट दिन में इतनी गर्मी हो रही है ना कि ऐसे स्लीव्स ऐसे आ जा रहे हैं हम टी शर्ट वगैरह में। सो यस, और अभी लंच का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चाइनीज़ प्लेटर ऑर्डर करूँ। वैसे पूरा चाइनीज़ प्लेटर तो यहाँ पे मिलता नहीं है, तो मैं अलग अलग चीज़ें ऐसे मंगा रही हूँ और मैं खुद से एक प्लेटर बनाऊँगी। सो ओके, मैं ऑर्डर करती हूँ, जैसे मेरा खाना आएगा मैं वैसे आप लोगों को मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। बहुत देर बाद खाना आ चुका है फाइनली और मैंने अपना प्लेटर रेडी कर दिया है। सो यहाँ पे है, इसके शॉट्स तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। सो चलो टेस्ट करते हैं। और अगर आप लोग भी प्लेटर ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग पिथौरागढ़ में PFC प्रियांशी फूड कॉर्नर है, उनकी शॉप में जाके सब कुछ ट्राई कर सकते हो। मैंने उनकी वीडियो पहले भी शेयर की और आगे भी उनकी वीडियो आएगी, उनका मेन्यू थोड़ा अपडेट हो गया है। सो यस, और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये लुक्स वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं चिकन स्प्रिंग रोल ट्राई करना पसंद करूँगी। आप लोग देख सकते हो चिकन स्प्रिंग रोल है पूरा, इनको पीसेस में ना अच्छे से कट करके दे रखे हैं इनने, और अंदर चिकन के पीसेस दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छी लेयर दिख रही है इसकी। और साथ में यहाँ पे ग्रीन चटनी है, तो चटनी के साथ डिप लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड। ओके,
द स्प्रिंग रोल इज सो गुड. इसके जो ये बाहर की लेयर है ना बहुत ज़्यादा थिन है और इसमें अंदर चिकन पूरे ऐसे ना रोस्ट करके डाल रखे अच्छे से और बहुत ज़्यादा टेस्टी है. और इसके साथ एक ग्रीन चटनी है ना, इट्स सो गुड. सो पहले अब मंचूरियन ट्राई करते हैं कॉम्बो साथ में, फिर बाद में तैयार करेंगे टेस्ट करेंगे. ठीक है, क्या बोल रही हूँ. सो दिस इज़ द पीस ऑफ मंचूरियन और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनफ ग्रेवी है. और भी मंचूरियन है अभी, बट इससे ज़्यादा मैं तो नहीं खा पाऊँगी. सो सो दिस इज़ वेज मंचूरियन, क्योंकि नॉन वेज अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज आई एम अ नॉन वेज. सो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और आप लोग देख सकते हो ये इसका इनर पार्ट है. एंड आई नो आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज़ फॉर यू गाइस. This is my momos का platter. See how yummy it looks. आज इतना अच्छा खाने का मिल रहा है, बट कल से तो वही सब कुछ खाएंगे ना घर का, तो इसलिए आज अच्छे से खा लेते हैं. सो ओके, सबसे पहले कुरकुरे मोमो लूँगी. मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे है क्या है. यहाँ पे कुरकुरे मोमो है और स्टीम मोमोज हैं, मेयो, ग्रीन चटनी, रेड चटनी और लच्छा सलाद. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द मोमोज. यहाँ पे है मेरे पास मेरा कुरकुरे मोमोज. सी ये कुरकुरे मोमो का एक अच्छा सा पीस है और ये है चिकन मोमोज, बिकॉज आई एम अ नॉन वेज. बट अगर आप लोग वेजिटेरियन हो ना तो आप लोग अपना भी ऑर्डर कर सकते हो, ये वेजिटेरियन भी सर्व करते हैं. ये भी मैंने PFC से ही मंगाया है. सो लेट्स हैव अ बाइट. बहुत सही है ये तो. मैंने पहले भी इसका टेस्ट आप लोगों को बताया ही है और आप लोग स्टफिंग देख सकते हो, बहुत सही है इसकी. और अगर आप लोग मेरी कंटिन्यूस वीडियोस वगैरह वॉच करते हो तो आप लोगों को पता होगा आई लव ये वाले कुरकुरे मोमोज. सो कुरकुरे मोमोज तो हमेशा की तरह बहुत सही हैं और मुझे स्टीम मोमोज भी अच्छे लगते हैं काफ़ी. सो चलो लेट्स हैव सम स्टीम मोमोज. सी इसका शेप कितना मस्त है. चलो कोई भी मोमो खा लो, किसी भी स्टाइल का खा लो यार, कुछ भी हो, स्टीम मोमो के टक्कर में ना कोई मोमो है ही नहीं. विथ लॉट्स ऑफ चटनी. सो यम्मी, तो मैं आपको मिलती हूँ अब डिनर में. इट्स डिनर टाइम और रात हो चुकी है. मैं आपको दिखा देती हूँ. सी तो रात हो चुकी है और मैं इस लुक में हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी और मैं थोड़ा रात को वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि आसपास में पूरी शांति होती है. और देखते देखते 8 बज गया तो मैं थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ आजकल. सो यहाँ पे मेरा डिनर है, इसमें चिली चिकन और नूडल्स है मेरे पास और इसका मिक्सचर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. सो आई एम क्रेविंग, तो चलो लेट्स हैव इट. सबसे पहले नॉर्मल सिंपल नूडल्स लूँगी मैं. बहुत ज़्यादा टेस्टी. ये मैं अपने घर के वहीं पर से लेके आई हूँ दोनों चीज़. तो मैंने उनको बोला था कि नूडल्स में मिर्च बिल्कुल मत डालना क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च डालते हैं. सो चिली चिकन बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो लेट्स हैव अ बाइट. तो सो गुड.
और इसमें जो ये प्याज डाले रहते हैं ना यार, ये तो मुझे इतना पसंद है ना. बहुत सही. यम. तो इसको अब साथ में टेस्ट करके देखते हैं. तो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. बहुत जूसी टेस्ट आ रहा है. लाइक इट्स गुड. यू शुड ट्राई दिस कॉम्बो. एक पीस खा के दिखाती हूँ जूम से. पीस खाने का मज़ा तो हाथों से ही है, बट बहुत गर्म हो रहा है. सो दिस इज द पीस. इट्स सो गुड. बहुत सही है. आप लोग पीस देख सकते हो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है. पर्सनली आई रियली लाइक द कॉम्बो. मुझे चिली चिकन और नूडल्स दोनों ही अलग अलग काफ़ी पसंद है. लाइक नूडल्स तो इतना पसंद नहीं, बट चिली चिकन तो बहुत ज़्यादा पसंद है. बट ये सब एज अ कॉम्बो इट्स टेस्टिंग वेरी गुड. डिनर इज वेरी यम और डिनर अच्छे से सॉर्ट हो गया है. तो हम आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट चाइनीज फूड कौन सा है. और मेरा फेवरेट सच कहूँ तो चिली चिकन है. और उसके बाद मुझे जो स्प्रिंग रोल थे ना और कुरकुरे मोमो सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया था. और जो चिली पटेटो थे ना वो भी काफ़ी अच्छे थे. और उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना. तो हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. सो बाय बाय, टेक केयर. और मैं इन्जॉय करती हूँ अपना लास्ट मील ऑफ द डे.